हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही ऑसम वीडियो लेके आए, उसको देखेंगे और रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों इसका नाम है आर्टुगुल रिटर्न्स एंड सरप्राइजेस द ट्राइब। तो दोस्तों बहुत ही ऑसम वीडियो होने वाला है, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, सो लेट्स वॉच इट। लेट्स वॉच इट। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि तुतकिन को सरदार बनाया जाता है फौज का, कि ये हुकुम करें और इनके अंडर में फौज रहेंगी। और सबको लगता है कि अर्तुगरुल सर जो है वो मर चुके हैं और इसीलिए इनका सम्मान करने के लिए लोग आए हैं बाहर। तो चलिए आगे देखते हैं। ढोल बज रहे हैं। ये कौन है? ओहो, मतलब क्या जबरदस्त सीन है। वाओ, बहुत ही ऑसम सीन था ये। वाह, क्या जबरदस्त रिएक्शन है। सब शॉक में आ गए, कभी सब शॉक में। क्या रिएक्शन है। म्यूजिक बहुत ही शानदार है। लॉन्ग लिव आर्टुगरुल बे। दोबारा से जिंदा बैठेगा। वाह दोस्तों, क्या जबरदस्त एंट्री थी अर्तुगरुल साहब की। वो वहां पर एंट्री करते हैं और जो सामने लोग खड़े रहते हैं, जो इनमें एक मेन सरदार हैं, वो उनको बोलते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि दोबारा से गिरजा बिठाई जाएगी और मेरे जो साथी हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर दोबारा सुनवाई सुनाई जाएगी। और ये बोलते हैं कि जब तक इस चीज़ का इल्ज़ाम इनमें से हट नहीं जाए, तब तक ये मेरे साथी मेरे कमांड में रहेंगे।
इनके साथी के ऊपर कुछ इल्जाम लगे रहते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। Madem kefaletleri bendedir, diyeceğim bir şey yoktur. Wow, what a scene. वाह दोस्तों, बहुत ही ऑसम वीडियो था ये। इसमें हमने कितने जबरदस्त तरीके से इसमें एक एक्सप्रेशन देखा, एक लव देखा, एक माँ के प्रति अपने बेटे का वापस आने का एक खुशी थी वो हमने देखी। तो दोस्तों ऑल ओवर बहुत ही जबरदस्त वीडियो था ये। मैंने आपको कहा कि इसके बारे में इनके सिपाहियों के ऊपर में क्या इल्जाम लगा था वो मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों इनके जो सिपाही हैं उनका नाम है तुर्गुत द्वान और अब्दुल रहमान। उनमें एक सिपाही और है हमजा, वो नोयान की पार्टी में जाके मिल जाते हैं। और हमजा जो वो क्यों ये फैसला लेते हैं इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, उसको आप जब वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बट ये तीन साथी इनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों जब ये कबीला पहुंचते हैं अपने तीन साथियों के साथ में, तो वहां पर ये डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, बताते कि मैं यहाँ पर हूँ और ये मेरे अंडर में है। क्योंकि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो था झूठे इल्ज़ाम लगे थे। ये लगा था असल में तुतकिन और गुंदुगतु जा रहे थे रास्ते में अपने सिपाहियों के साथ में, उसी दौरान नोयान हमला करता है और उसमें ये अब्दुल रहमान और हमजा फंस जाते हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ये है गद्दार। तो दोस्तों इसी के ऊपर में इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है अब्दुल रहमान के ऊपर और हमजा के ऊपर। तो अर्तुगुल के सिपाही लोग जानते हैं कि अब्दुल रहमान और हमजा बेकसूर हैं, तो ये लोग इनको बचाने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वहाँ के जो सरदार हैं तुतकिन और गुंदुगतु भाई, इनको कबीला दरबदर कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अब कबीले में नहीं रह सकते। उसके बाद ये मिलते हैं अर्तुगुल भाई से, उसके बाद अर्तुगुल भाई के साथ मिलके ये लोग कबीले आते हैं, उसके बाद हमने ये सीन देखा। तो दोस्तों बहुत ही ऑल ओवर बहुत ही अच्छा सीरियल है ये, इसको आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, बट लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।